जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई जा रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी है। गोलीबारी की घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है। घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में हुई है। यह घटना आज सुबह 5:23 पर घटी। आरपीएफ का जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई पर अचानक गोली चला दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह पता नहीं चल सका कि आरोपी की मंशा क्या थी और क्यों उसने ये गोली चलाई। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में और ज्यादा यात्री हताहत नहीं हुए। जैसे ही चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई, ट्रेन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ट्रेन के यात्रियों के बयान भी दर्ज कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पश्चिमी रेलवे ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। उसने एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों को गोली मार दी और दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में ये पूरी घटना हुई है। ट्रेन नंबर 12956 में सूरत के पास इस घटना को सुबह अंजाम दिया गया। ट्रेन के B5 कोच में गोलियां चली। इस घटना में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक आरपीएफ कांस्टेबल ने ये गोली चलाई और एएसआई की भी इस घटना में मौत हुई है। बोरीवली स्टेशन पर शव उतारे गए हैं। आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। उसे हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर से ये बड़ी अपडेट है, जहां जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी हैं। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने कांस्टेबल को हिरासत में लिया है। घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में हुई है। यह घटना आज सुबह 5:23 पर घटी। आरपीएफ का जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई पर अचानक गोली चला दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये पता नहीं चल सका है कि आरोपी की मंशा क्या थी और उसने गोली क्यों चलाई।